नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 20 अक्टूबर 2019, और आपके सवाल मेरे जवाब पर अपना व्यू लेकर आया हूं। जितना सवाल आप लोगों ने भेजा था और जिन लोगों ने प्रॉपर रूल को फॉलो करके, जो रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फॉलो करके भेजा, उनके सारे सवाल सेलेक्ट हुए और उन सवालों पर अपना व्यू लेकर आया हूँ आज संडे को। जैसा कि आपको पता है, सैटरडे को आप सवाल भेजते हैं और रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं सारे सवालों को कलेक्ट करके मैं संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। दोस्तों, इन सवालों में जिस स्टॉक के बारे में आपने टारगेट और स्टॉप लॉस पूछा है, उसमें डिस्क्लेमर ये है कि उसमें कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ आपके सवालों पर। तो ट्रेड करने से पहले अपने फैंसी एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। दूसरी बात यह कि जितने लोगों का सवाल सेलेक्ट हुआ है, कृपया कर अपना फीडबैक मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप लोग सवाल पूछते हैं मैं उसका जवाब भी देता हूं, तो ज़रूर मेरा भी हक बनता है। एक छोटा सा फीडबैक और कुछ नहीं, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, इंपॉर्टेंट। उससे मुझे चीज़ें समझ में आती है कि मुझे और इसमें क्या करना चाहिए अपने इस सेक्शन को सुधार करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि पिछले बार भी मैंने देखा था कि सवालों की संख्या तो कम से कम 35 से 40 थे, फीडबैक मुझे 10-15 मिले थे, यानी बाकी 15 लोगों 20 लोगों का पता नहीं, उनका काम हो गया, बात खत्म है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा लगता भी नहीं है। कोई अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसका रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जिनके सवाल सेलेक्ट नहीं हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती किया है। कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा, शहर का नाम नहीं लिखा, प्रॉपर रूल को फॉलो करके नहीं भेजा, तो उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए माफ़ी है ना, उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा। और नेक्स्ट सैटरडे फिर कोशिश करें फिर से भेजने की, तो सवाल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। देखिए, यहाँ सबसे पहला सवाल जो ये एक नंबर पार्ट लिखा हुआ है ना, यानी कि इतने बड़े सवाल थे कि मेरे एक स्क्रीन में ये नहीं आ पाया, मैंने डबल स्क्रीन के लिए बनाया हुआ है। सर, तो जो भी नाम है, मैं पहले नाम बताना चाहूँगा, इनका नाम है जसवंत सिंह, चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं। अब क्या पूछ रहे हैं ये भी देख लेते हैं कि सर आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है एंड आपका बहुत थैंक्स, आपका हर सवाल रिप्लाई करते हैं। ओके, आप हर सवाल का रिप्लाई करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं सर उनके रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ, एंड मैंने भी हर जवाब पर कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू। मेरा सवाल है कि जैसे एनालिसिस आप डेली के चार्ट पे करते हैं, मैं मंथली चार्ट पे करके ट्रेड कर सकता हूँ? जो पैरामीटर मंथली चार्ट पे चेंज होते हैं, सर आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपनी एनालिसिस पे तो आप जरूर कर सकते हैं सर, किसी के कहने पे आप बिल्कुल ना करें। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक बेसिक है, हालांकि ये बेसिक सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, पर इसके लिए पहले मैं माफी, कि अगर आपके पिताजी भी अगर आपको बोल दे कि बेटा ये वाला स्टॉक ले लो, मत लीजिए, जब तक कि आपकी एनालिसिस और आपका बिलीव उस पर नहीं हो, तब तक आप उस स्टॉक को मत लीजिए, किसी के कहने पे मत लीजिए, किसी के भी कहने पे, चाहे वो आपके पिताजी ही क्यों ना हो, है ना, ये नियम है यहाँ। इसलिए अपनी एनालिसिस, अगर आपको बिलीव है आपके उस पैरामीटर पे, उस इंडिकेटर पे, तो आप उसको कर सकते हैं सर। आप एक बार बिलीव करके देखिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ दिन उसको ट्राई करके देखिए ना। आगे ये लिखते हैं कि ऑटो सेक्टर काफी थमा हुआ है, यानी कि सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, तो मदरसन सुमी, अशोक लीलैंड एंड जमुना ऑटो पे बाय करने का अगर सोचूं तो एसएल क्या रखूं? सर, मैं मदरसन सुमी और जमुना ऑटो को तो नहीं बोलूंगा, अशोक लीलैंड पे आप चाहें तो एक ले सकते हैं रिस्क। तो उसके लिए जो हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे, तो स्टॉप लॉस चलिए देख लेते हैं अशोक लीलैंड, ये डेली का चार्ट है। अगर आपको बाय भी करना होगा ना, 80 रुपीज के ऊपर बाय करिएगा, उसके पहले 80 रुपीज के ऊपर बाय मत करिएगा। अगर 80 के ऊपर बाय करते हैं ना, तो फिर आपको ये 65 का एसएल बनेगा, और टारगेट फिर आप ओपनली कर सकते हैं, टारगेट 100-110 तक जा सकता है, लेकिन याद रखिए 65 का आपका एसएल बन जाएगा यहाँ पर। तीसरा है कि अगर पोजिशनल स्टॉक्स में मुझे पता चलता है कि मेरा एसएल हिट हो चुका है, तो मैं 3:15 तक उसे निकाल दूं या नेक्स्ट डे का वेट करो? देखिए, क्लोजिंग बेसिस पे एसएल जब भी हिट होता है ना, क्लोजिंग बेसिस पे हिट होना चाहिए, मतलब प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाना चाहिए, जो आपका स्टॉप लॉस है उसके नीचे क्लोज हो जाना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो माना जाता है, माने क्लोज होने का मतलब क्या है, 3:15 बजे के बाद तक उसके नीचे ही उसको रहना चाहिए। अगर वो हिट करके ऊपर चला जाता है तो वो फिर हिट नहीं माना जाएगा। तो आपके साथ ऐसा हुआ है टीसीएस में, जैसा कि आप लिख रहे हैं, है ना, तो क्लोज अगर कर देता है पूरे 3:15 बजे के बाद तक उसके नीचे रहता है, तो आप उसको एसएल हिट मान सकते हैं।
आप लिख रहे हैं कि अगर आपकी कोई गैप अप गैप डाउन की वीडियो है तो मुझे जरूर लिंक दें। सर मैं सारे लोगों को बोलता रहता हूँ 3 स्टार वीडियो में कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ट्रेडिंग टर्मिनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, मैं आपको इसे दिखा भी देता हूँ। तो आप मेरे यहाँ सर चैनल पर आइए और यहाँ एक प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल में बहुत सारे स्क्रीनर को बताया हुआ मैंने, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, ठीक है। और यहाँ आप थोड़ा इसको नीचे करें, ठीक है, ये आपको जब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग, गैप अप गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय आरके ट्रेडिंग के नाम से है। इस पर कैसे ट्रेड करते हैं गैप अप गैप डाउन आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, इसमें सारे सिर्फ स्ट्रेटेजीज ही भरा हुआ है और कुछ नहीं। तो आप इसको देखिए समझिए और उसके बाद फिर आप डिसीजन खुद लीजिए। अगला सवाल है धीरेन्द्र जेना साहब का, कोयम्बटूर तमिलनाडु से पूछ रहे हैं कि सर योर PRB स्ट्रेटेजी आई हैव बैक टेस्टेड एंड इट्स वर्किंग, थैंक यू सर, मे आई यूज इट टू ऑफ माई फेवरेट स्टॉक आयसर मोटर एंड नेस्ले इंडिया। ये नेस्ले इंडिया और आयसर मोटर पे PRB स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं क्योंकि ये इनका फेवरेट स्टॉक है, एंड प्लीज टेल मी द टारगेट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है सर धीरेन्द्र साहब कि आपने अधूरा देखा है उस वीडियो को, आपने इनकम्प्लीट देखा उस वीडियो को, अगर आप पूरा देख लेते ना तो आपको टारगेट भी पता चल जाता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, यहाँ पे PRB स्ट्रेटेजी है ना, PRB आपको आपको यहाँ पे मिल जाएगा PRB स्ट्रेटेजीज, थोड़ा नीचे करेंगे इसी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले सेक्शन में, तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी PRB है ना, इसमें आप पूरा देखें, थोड़ा पेशेंस रख के धैर्य रख के पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा टारगेट क्या है इसमें, है ना, कंप्लीट इसमें मैंने बताया। बिना टारगेट और स्टॉप लॉस के सर कोई स्ट्रेटेजी कैसे बता सकता है, आप जरा सोचें इस बात को, नहीं बता सकता ना, तो जरूर बताया गया है वहां पर, आपने उसको स्किप करके देखा है सीधा, है ना, तो इस वजह से आपको वहां पता नहीं चला, तो आप उसको एक बार कंप्लीट देखें तो आपको पता चल जाएगा। हिरेन जी मुंबई से कह रहे हैं कि भेल 54.50 पे है, तो हिरेन साहब बुरा मत मानिएगा, ये आप मुझे बता रहे हैं, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसमें आपने मुझे पूछा तो कुछ नहीं, आपने तो सिर्फ बताया हुआ है कि भाई मैंने 54.50 पे भेल को ले लिया है, तो सर ये आपने ले लिया है तो इसमें आपने मुझे पूछा कहाँ, कुछ क्या पूछना चाहते हैं आप, टारगेट स्टॉप लॉस क्या, मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा हिरेन साहब, इसके लिए सॉरी, आप क्लियर जब तक लिखेंगे नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं कहूँ तो स्टॉप लॉस में ज्यादा ज्यादा इसका आपको बता सकता हूँ भेल का, है ना, तो चलिए भेल का स्टॉप लॉस देख लेते हैं, 54.50 पे आपने लिया हुआ है। स्टॉप लॉस सर आपको लगेगा 46 रुपए का, बहुत दूर है स्टॉप लॉस, ठीक है, बहुत दूर है स्टॉप लॉस, 46 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए तक ये जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस 55 रुपए के आसपास हैवी एक रेजिस्टेंस है, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना ये 60 रुपए तक नहीं जा सकता। सत्यव्रत मिश्रा साहब बालासोर मिश्रा होगा या मिशा होगा पता नहीं, सत्यव्रत जी पूछ रहे हैं बालासोर उड़ीसा से, आई हैव ए पोजिशन ऑफ एक्सिस बैंक कॉल ऑप्शन 730 का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ 11 के भाव पे, SL पूछ रहे हैं और टारगेट पूछ रहे हैं। सर अगर कैश के चार्ट पे, मैं आपको यहाँ साफ सुथरा बताना चाहूंगा, कैश के चार्ट पे अगर एक्सिस बैंक 700 के ऊपर रहता है तब तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कैश के चार्ट पे एक्सिस बैंक 700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहता है तब तो ठीक है, अगर ये ट्रेड नहीं करता 700 के नीचे आ जाता है कैश के चार्ट पे तो आपका जो वहां पे कॉल ऑप्शन है ना वो खतरे में पड़ जाएगा, और उस हिसाब से अगर ये एक्सिस बैंक 720 को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, 720 को ब्रेक करता है, फिर आपका कॉल ऑप्शन का टारगेट 17 रुपए का हो जाएगा, और इधर नीचे की साइड में अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो कैश के चार्ट पे आप स्टॉप लॉस याद रखिए, अगर 700 को ब्रेक करता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। डॉक्टर साहिद साहब कालीकट केरला से कह रहे हैं,
क्या ये जरूरी है कि सब स्टॉक एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग? बिल्कुल जरूरी नहीं सर, कोई जरूरी नहीं कि मुझे अगर रसगुल्ला पसंद है तो आपको भी रसगुल्ला ही पसंद होगा, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपको कलाकंद पसंद हो। तो सारे स्टॉक्स अलग अलग तरह के बिहेव करते हैं, पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो बिहेव करते हैं, उसका बिहेवियर अलग होता है। अब आपका अगला सवाल यहाँ पे हो सकता है कि बिहेव कैसे पहचाने? तो सर बिहेव एक ही जगह से पता चलेगा, वही सिंपल चार्ट से, आपको कंटिन्यू रीडिंग से, चार्ट रीडिंग से कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको उसका बिहेव पता चल जाएगा। और सारे स्टॉक्स को क्यों देखना है सर? यही तो दिक्कत है लोगों को, वो सब चीज देखने लग जाते हैं। क्यों देखना है सारे स्टॉक्स को? पार्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट करिए, 10, 20, 25, 30 कंटिन्यू उसको फॉलो करिए, उसके बिहेवियर को समझिए। वो आसान है बनिस्पत इसके कि आप सारे स्टॉक्स को चेक करें, है ना, वो थोड़ा टिपिकल है। अगला सवाल है धर्मेंद्र प्रसाद शाह जी का, हावड़ा कलकत्ता से, कह रहे हैं कि पीआरबी अलर्ट चैटिंग डॉट कॉम में कैसे सब्सक्राइब करें, मंथली सब्सक्रिप्शन वाला पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सर वहाँ पीआरबी की कोई स्ट्रेटेजी अलग से चैटिंग वाला बना के नहीं देता है सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा हुआ है पीआरबी पे, है ना। आप उसमें से किसी एक को देखिए और उसका अलर्ट ऑन कर लीजिए अपने सिस्टम पे, वो फ्री में अलर्ट ऑन होता है सर, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। फ्री में अलर्ट ऑन होने से क्या होता है, वो कुछ सेकंड आपको डिले करेगा, कुछ सेकंड का डिले होता है, और जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसको राइट टाइम पे अलर्ट मिलता है कुछ सेकंड का यंत्र। तो वो पेमेंट ऑप्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं उसको। लिख रहे हैं कि यू आर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का 8वां आश्चर्य। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं नॉर्मल आदमी हूँ सर, आप बोल के टारगेट लेते हैं, ये तो बस चल जाता है सर, बोलता हूँ स्टॉक चल पड़ता है, तो क्या बताऊँ इसके, अब आप लोग एनालिसिस करिए मेरी। तो खैर ये कोई बात नहीं, मैं 8वां आश्चर्य नहीं हूँ, सिंपल साधारण सा आदमी। नीलेश पाटिल साहब पुणे से कह रहे हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयर का स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे निकालते हैं? नीलेश साहब ये आपने वही सवाल घूम फिर के पूछा, बहुत सारे लोग यही पूछते रहे, और हर बार मैं ही बोलता हूँ सर इसका कोई फिक्स नहीं होता, वो चार्ट जैसे अभी देखिए इन्होंने भेल के बारे में पूछा था ना, नहीं सॉरी एक्सिस बैंक के बारे में, या भेल, तो मैंने सीधा क्या कुछ देखा, क्या कैलकुलेशन किया, क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं किया ना, कैलकुलेशन नहीं किया ना, चार्ट देखा ना, सारे चीज चार्ट पे अवेलेबल है सर, सारे चीज चार्ट पे अवेलेबल है, बस उसको रीड करना आना चाहिए। और रीड कैसे करेंगे आप मैथ कैसे बनाते हैं? एक ही दिन में मैथ बन जाता है क्या? एक ही दिन में मैथ नहीं बनता है ना, मैथ बनता है कंटिन्यू प्रैक्टिस से। उसी तरह चार्ट भी रीड आएगा आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस से, जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जामनगर गुजरात से यतिन पटेल साहब कह रहे हैं कि सर सिग्नेट इंडस्ट्रीज स्टॉक्स में अब क्या होगा मंडे को? सर मंडे को तो कुछ नहीं होगा सर, मंडे को तो मार्केट ही बंद है सर, इंजॉय कीजिए मंडे को, है ना, महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से मंडे को मार्केट बंद है, इंजॉय करिए, है ना, मंडे को कुछ नहीं होगा, जो होगा ट्यूजडे को होगा। ट्यूजडे को मैं बता दूं क्या होगा यतिन साहब, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, यही दो चीज हो सकता है। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए यतीन साहब, आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने लिया हुआ है तो किस प्राइस पे लिया, ताकि मैं उसका आपको स्टॉप लॉस बता सकूं या उसका मैं टारगेट बता सकूं। ये जब तक आप लिखेंगे नहीं ना पटेल साहब, तो मुश्किल हो जाता है इस तरह से ना। तो दो ही चीज होता है, क्या होगा मंडे को, आपने अगर पूछा तो देखिए सिंपल से जवाब, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आएगा, है ना, मंडे को तो बंद है, ट्यूजडे को जब ओपन होगा तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, आपको प्राइस लिखना पड़ेगा, ताकि मैं चार्ट देके आपको प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट बता पाऊं सर, है ना। तौफीक अब्बास साहब नेहरुल न्यू मुंबई से कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके हिसाब से 3 स्टॉक सजेस्ट कीजिए फॉर 1 वीक या 2 वीक के लिए, है ना, 1 वीक और 2 वीक के लिए स्टॉक को सजेस्ट करिए। सर आप कंटिन्यू मेरे अगर फॉलोअर हैं चैनल को तो मैं देता हूं, देखिए इधर भी मैंने कौन से दिए हुए थे, प्राइम सिक्योरिटीज टारगेट डन, बायोकॉन टारगेट डन, इंडिगो लेवल एक्टिवेट, और एक स्टॉक्स दिया है जिसका लेवल एक्टिवेट हो चुका है और वो है एनआईटी टेक, ठीक है। तो ये सारे दिया, और आज भी मैंने एक चार्ट पोस्ट किया है अपने वेबसाइट पे, आप जाके उसको देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा 2-3 स्टॉक्स और भी मैंने निकाल कर रखे, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो बना के, कोई टेंशन वाली बात, तो आपको कंटिन्यू मिलता रहता है सर। लेकिन है कि पार्टिकुलर आप चाहेंगे कि इसी दिन मुझे मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, है ना, वो सैटरडे संडे संडे को आता है, और सप्ताह में भी आ जाता है एक आध दिन बीच में, जिस दिन मुझे स्टॉक्स लग जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ काम हो रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि जब बैठूंगा स्टॉक्स मिल जाएगा, नहीं, स्टॉक्स को रीड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सारे चार्ट देखना पड़ता है, उसमें से 100-150 स्टॉक देखने के बाद एक आध स्टॉक निकल के सामने में आता है सर, है ना, तभी दे सकता ना, ऐसे देने का तो 50 दे दूं काम ही नहीं करेगा तो क्या फायदा। अमीन भाई जी गुजरात सूरत से कह रहे हैं कि HDFC के 150 शेयर है 1200 के भाव पे,
उसका टारगेट इनको चाहिए। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 98 के भाव पे है, 1000 से है, टारगेट क्या होगा? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा लॉस करा सकता है? सब पीएसयू बैंक लॉस में है, अगर होल्ड करना हो तो कितने टाइम करना है? मुझे जहां तक याद आ रहा है अमीन सर, आप वो व्यक्ति हैं जो केवल बैंक ऑफ बड़ौदा में ही ट्रेड करते हैं ज्यादातर, आप और आपके भाई साहब, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, आप और आपके भाई साहब, आपने एक बार मुझे बताया था व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से फिर क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आप कंटिन्यू, मुझे लगता है आपने लिखा भी था कि 5 से 6 साल आप कंटिन्यू बैंक ऑफ बड़ौदा को ही ट्रेड करते, तो आपको तो उसका बिहेव पता है, तो फिर उसमें आपको डरने की बात ही नहीं है। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं, HDFC 150 शेयर, HDFC को लिया है ना, बैंक नहीं है ना ये, HDFC के 150 शेयर को आपने कितने पे लिया, इसको चेक कर लेते। शेयर 1250 शेयर आपने HDFC बैंक लिया है सर, ये तो दिक्कत है, आपने 12 HDFC बैंक को लिया हुआ है, क्योंकि 1200 का जो भाव है वो तो HDFC बैंक का है, यहाँ HDFC को करेंगे तो 2000 वाला प्राइस है ना, पूरा लिखेंगे सर ना, थोड़ा क्या है ना, मेरा दिमाग मोटा है ना, मेरा चदरा थोड़ा मोटा है, मैं समझने में थोड़ा टाइम लगाता हूँ। आपने 1200 के भाव पे HDFC बैंक के 150 शेयर को लिया है, तो सर 30 रुपए तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो टेंशन क्या बात है, है ना। 1200 का एसएल लगा के चुपचाप बैठे रहिए, 1200 का स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठे रहिए, जी ब्रेक इवन पे लाके छोड़ दीजिए। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, और सरकारी बैंक से तो अभी फिलहाल मैंने दूर रहने के लिए कहा भी है, 98 पर आपने लिया हुआ है ना, 98 पर काफी नीचे है सर, तो ये आप इसको होल्ड कर रहे हैं सर, तो होल्ड कर रहे हैं सर, 85 का स्टॉप लॉस फिर लगाना पड़ जाएगा आपको, काफी नीचे है, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक की भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब एक रजिस्टेंस है इसके पास 90 रुपीज का, उसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना अमीन साहब, ये ऊपर नहीं जा सकता है। नाडियाड गुजरात से भारत कुमार जी कह रहे हैं, भारत कुमार जी, हाँ भारत कुमार जी कह रहे हैं कि चोला फाइनेंस बाय साइड का लेवल फॉर पोजिशनल, प्लीज गिव एसएल एंड टारगेट। आपका ये सवाल और वीकली स्टॉक सिलेक्शन मुझे बहुत पसंद है, ग्रेट जॉब फॉर अस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके सवाल सेक्शन में मैंने RIL पोजिशन यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में पोजिशन बारे में पूछा था, वहां मुझे प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था जी, मुझे याद है। आई एम नॉट एक्सपीरियंस ट्रेडर, बट आपके सवाल सेक्शन में मुझे जिस स्टॉक्स में पोजिशन बनाना है उसके बारे में आपसे पूछने से मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। गुड लर्निंग फ्रॉम योर चैनल, योर चैनल इज वन ऑफ द माई बेस्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं भी वंस अगेन धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार सम्मान के लिए, इतना सहयोग के लिए। तो चलिए, इनका सवाल है कि चोलामंडलम फाइनेंस में जो है बाय साइड के लेवल पोजिशनल के लिए लेना चाहते हैं। देखिए चोलामंडलम फाइनेंस एक अच्छे लेवल पे अभी अवेलेबल है, जहाँ तक चोला फाइनेंस को मैं देख पा रहा हूँ वो एक अच्छे लेवल पे एक्टिवेट है, ठीक है, लेकिन हमें पोजीशन बनाएंगे कब, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात कर रहा है, यानी कि 310 के ऊपर जब तक इसी रेजिस्टेंस लाइन को, अब देखिए वही कहते हैं कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन होता है, सारी चीज चार्ट बता देता है सर, है ना, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, चोला फाइनेंस हमेशा अप डाउन करता रहेगा, तो इस लेवल को 310 के ऊपर क्रॉस कर जाए एक बार ना, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। यमुना नगर हरियाणा से यशपाल शर्मा साहब कह रहे हैं कि डिश इंडिया के 2000 शेयर एवरेज 18.60 रुपए पे, मैंने तब भी मना किया था सर आपको यशपाल साहब, मुझे याद है आपने मुझे कॉल भी किया था और याद है आपने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, कि मैंने तब भी मना किया था कि ऐसे सब स्टॉक्स में मत पड़िए सर, है ना, लेकिन चूंकि छोटा स्टॉक का हम लोगों के अंदर जो है ना लालच की कम प्राइस पे अवेलेबल है, प्राइस पे कभी भी छोटा और बड़ा स्टॉक नहीं होता, उसके वैल्यूएशन पे बड़ा और छोटा होता है ना, प्राइस पे कभी भी स्टॉक बड़ा या छोटा नहीं होता है। रिलायंस जब 300 पे था तब वो छोटा था, या रिलायंस 600 पे था तब वो छोटा था, रिलायंस जब 900 पे हुआ वो तब छोटा था, या रिलायंस 1200 पे हो गया था वो तब छोटा था, वो कब छोटा था? छोटा कभी, उसका वैल्यूएशन, वो प्राइस चाहे उसका जितना बड़ा हो जाए, उसका छोटा या बड़ा रहे, उसका वैल्यूएशन बहुत ऊपर का है ना, तो इस चीज को देखिए। लेकिन फिर भी चलिए 18.60 रुपए पे आपने मार्जिन लेके ऊपर से डिलीवरी लिया हुआ, यानी कि और टेंशन में है आप, काफी ज्यादा परेशानी में पड़े हुए हैं। तो चलिए फिर भी डिश इंडिया को देखते हैं क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, डिश टीवी को हम लोग देखते हैं। देखिए 18.60 रुपए, अभी 2 रुपए तो आप एकदम निगेटिव में, 2000 शेयर है, यानी कि 2×2=4000 रुपए आपके लॉस में चले गए, तो अभी अब कुछ नहीं करना है सर, अभी अब लास्ट स्टॉप लॉस 14 रुपए का मेंटेन करिए, अगर वो कटे ना तो एकदम कट के निकल जाइए सर, क्यों ग्रीडी में पड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा मेहनत का पैसा है किसी अदर अच्छे स्टॉक्स में लगाइए सर, 2 रुपया महंगा मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, है ना।
इस चीज को ध्यान रखिए। मैंने तब भी बोला था कॉल पे आपको कि इससे दूर रहिए। आप कह रहे हैं कृपया कुछ रास्ता दिखाएं, रास्ता वही है सर, 14 का ऐसा लगाइए, अगर वो कटता है तो कट जाइए, वो 10 रुपये भी जा सकता है। जय जी बहरुच बहरिच यूपी से पूछ रहे हैं कि जय साहब नाम इनका, कि आई एम स्टूडेंट परसुइंग लास्ट जर्नी ऑफ माय एजुकेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आई वांट टू मेक ए करियर अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इनको करियर बनाना। आई हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग विद 3000 ओनली, सम टाइम आई गेट सम प्रॉफिट सम टाइम नॉट। यानी कि ये देखिए स्टूडेंट है और ये ट्रेड भी करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सर एक चीज बताइए। और आई गेट सम, आई वांट टू ज्वाइन ITC प्रोग्राम, हाउ मच कैपिटल आई नीडेड एंड सम बिगनर लेवल सजेशन नीडेड, ठीक है। देखिए ITC प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपको मेरे वेबसाइट पे rktrading.online www.rktrading.online पे जाएंगे, कोर्स वाले सेशन पे वहां पे सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं सर। औरंगाबाद महाराष्ट्र से आकाश गायकवाड़ जी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में बिगनर्स के लिए अच्छी बुक कौन सी है। सर एक नॉर्मल चीजें आपको समझाता हूँ, बिगनर्स के लिए एक अच्छी बुक है ट्रेड नीति आती है, एक ट्रेड नीति करके एक बुक आती है, पहले आप उसको खरीदें, अमेजन वगैरह पे मिलता है, आप उसको खरीदें और उसको खरीदने के बाद जो है आप उसको देखें तो ज्यादा थोड़े से समय, उसमें साइकोलॉजिकल चीज भी है, बेसिक चीजें भी है, वो आपको काफी काम आएगी, आप एक बार उसको देखें। दीपक जी कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन ऑन इंट्राडे बेसिस, पलवल हरियाणा से दीपक जी हैं, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बायर्स एंड सेलर्स क्वांटिटी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इससे बचने के लिए ओनली चार्ट पर फोकस करें। बिल्कुल सर, जवाब तो आपने खुद दे दिया, क्यों देखना है बायर और सेलर को, बायर और सेलर की चीजें हमेशा आपको कंफ्यूज करती रहेगी, मत करिए, चार्ट जो बोले वही सही है ना, बायर सेलर कुछ भी, चार्ट जो बोले वही सही होता है। चार्ट पर आप आइए, उस पर फोकस करिए, बायर और सेलर को हटाइए दिमाग से, वो करते रहेंगे, वो हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। दीपक साहब, रंजन नायक जी उड़ीसा से कह रहे हैं कि YouTube में कई चैनल हैं जो कहते हैं कि हमारी अंडर डीमेट अकाउंट खोलिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री कॉल देंगे। मैं तो सर ऐसे ही फ्री कॉल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, मैंने तो नहीं कहा है कभी। अगर मेरा अकाउंट पहले है तो उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए मुझे मंथली 1000 या 2000 पे करना होगा, ओके। अच्छा, सवाल ये है कि हम अगर उनके अंदर में डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो हमारे अकाउंट से उनको क्या फायदा है? आपके अकाउंट से देखिए एक्स्ट्रा आपको ब्रोकरेज चार्ज कुछ नहीं लगता है ना, आप उसके अंदर भी डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको ब्रोकरेज चार्ज उतना ही लगेगा जितना लगता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना। उनको कुछ मार्जिन मिलता है, कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे जिसका भी उसके पास सब्सक्रिप्शन है ना, जिस भी ब्रोकर का, उसका कुछ मार्जिन कट के उसको मिलता है, तो आपके पैसे से नहीं जाएगा, वो जाएगा उस कंपनी के पैसे से, आपको उतना ही ब्रोकरेज लगेगा जितना लगता है। चार्ट में कैंडल स्टिक की टाइम कितने मिनट की होनी चाहिए जो हमें इंटर या एग्जिट सिग्नल दे सकता है? मैं ऑसम ऑक्सीलेटर और MACD इंडिकेटर यूज करता हूँ। सर मैं ऑसम ऑक्सीलेटर वगैरह मैं तो इंडिकेटर यूज ही नहीं करता, एक MACD होता है वो मैं फॉलो करता हूँ कभी कभार, वो भी जब मुझे देखना होता है उसके मंथली या ईयरली वाला कुछ चेक करना होता है तो देखता हूँ, अदरवाइज इंट्राडे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। दूसरी बात, वो हमेशा कंफ्यूज करेगा, जब इंडिकेटर सिर्फ आपके पास तो नहीं है ना सर, सबके पास है, तो वो जो सबको बता रहा है वो आपको भी बता रहा है, ऐसा क्या खास है जो सिर्फ वो आपको बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इंडिकेटर हमेशा सबको बताता है ना कि आपको बताता है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं इंडिकेटर को देख के मुझे मालूम है। अब जैसे मुझे पता है आप ऑसम ऑक्सीलेटर यूज कर रहे हैं MACD, और मुझे ये भी पता है कि आप एक्सिस बैंक पे आज ट्रेड करने वाले हैं, मान लेता हूँ अगर मैंने अपना चैनल पे दिया हुआ, एक एग्जांपल समझाता हूँ, चैनल पे मैंने दिया हुआ एक्सिस बैंक, तो मैं समझ जाऊंगा कि रंजन जी ऑसम ऑक्सीलेटर यूज कर रहे हैं MACD, और इसके हिसाब से रंजन जी को यहाँ पे बाय बताया जा रहा है, इसका मतलब रंजन जी यहाँ पे बाय लगा के बैठे हैं, मैं आपका SL काट दूंगा सर वहीं पर, है ना, मैं आपका वहीं पे SL काट दूंगा, तो वो मुझे भी बता रहा है ना, वो ऑसम एक्सीलेटर और MACD जो आपको बता रहा है वो, तो मैं तो आपका SL उड़ा दूंगा ना, तो ऐसा क्या है जो इसने वो खास आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं है, तो इंडिकेटर पे मैं उतना बिलीव भी नहीं करता सर। दूसरी बात, चार्ट के जो टाइम फ्रेम होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं सर, हर एक टाइम फ्रेम को रीड करना पड़ता है, आपको यकीन नहीं होगा, हर एक टाइम फ्रेम को रीड करना पड़ता है, और जिस टाइम फ्रेम में बेस्ट चीजें, बेस्ट क्या, कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ ये जगह पे आ रहा है और पैटर्न को फॉलो भी कर रहा है तो हम उसको देखते हैं, तो अलग अलग टाइम फ्रेम को भी रीड करना पड़ता है साहब। जीत साहब मैंगलोर कर्नाटका से कह रहे हैं कि KC इंटरनेशनल के 40 शेयर बाइंग प्राइस 282, एक वीक से होल्ड कर रहा हूं,
मदरसन सुमी के 11 115 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 14, एक महीने से होल्ड कर रहा हूँ। पीएल के 6 शेयर, बाइंग प्राइस 17.48, आपका व्यू बताइए। अच्छा चलिए, केसी इंटरनेशनल के 40 शेयर को इन्होंने 282 पे लिया हुआ एक सप्ताह से, केईसी इंटरनेशनल, यही है केसी इंटरनेशनल है ना। चलिए आपने लिया हुआ 282 से ना, हाँ 282 से एक वीक से लिया हुआ, और अभी ये 277 पे चल रहा है, आपने लगभग यहाँ कहीं पे लिया हुआ है। इसका मतलब सर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसमें, सर आप एक स्टॉप लॉस जब आप लगाएंगे ना तो ही काम करेगा। 270 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए, 270 कटेगा तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा 250 तक। दूसरा है आपने मदरसन सुमी को लिया है 115, और 115 के भाव पे मदरसन सुमी को लिया हुआ है ना, सुमी के 115 114 के भाव पे एक महीने से लिया हुआ है। तो अभी मदरसन सुमी का जो स्विंग लो आ रहा है ना, बिल्कुल ये बहुत लंबा आएगा, हालांकि 95 का स्टॉप लॉस बनेगा। आप इसको एक बार स्टॉप लॉस 95 लगाइए, थोड़ा वेट करिए, शायद एक बाउंस बैक मंगलवार को आपको देखने को मिल सकता है मदरसन सुमी में। तो इस बात को देखिए, मंगलवार सोमवार को मार्केट बंद है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो मंगलवार को एक मूवमेंट देखने को इसमें आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस खुद कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ इस पर। और एक स्टॉक है पीईएल, चलिए हम लोग पीईएल को भी देख लेते हैं, यानी पीरामल को। तो पीएल को इन्होंने लिया हुआ है, पीएल में हालांकि आप काफी लॉस में 6 शेयर है, लेकिन एक बार पीएल अगर क्लोज कर देना 1650 के ऊपर, 1630 32 भी निकाले तो अच्छी बात है, 1650 के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर 1650 के ऊपर निकले ना तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल 6 क्वांटिटी लिया हुआ है आपने 1768 के भाव पे, है ना, तो 200 रुपए के 250 रुपए के लॉस में आप चल रहे हैं। 1748 पे लिया है तो 200 के लॉस में आप चल रहे हैं लगभग। और एक स्टॉप लॉस तब लास्ट लगा के रखिए सर 1420 रुपए का, अगर उसको कटे तो फिर आपको काटना पड़ेगा। राहुल जी पुणे से कह रहे हैं, बैंक निफ्टी 24 तारीख को 29100 का पुट लिया हुआ है 355 पे, 260 क्वांटिटी लिया, यानी कि 80 कितना लॉट ले लिया आपने, 13 दिन 26 130 लॉट, हाँ 130 ही लिया ना, मैं 130 ने 13 लॉट लिया, 13 दूनी 26, हाँ 13 लॉट लिया हुआ है आपने। तो 13 लॉट को लिया है आपने 29100 के पुट को 355 रुपये 75 पैसे पे। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी और अपने पुट को लिया हुआ है सर, पुट को लिया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत में है आप। अगर ये ब्रेक करे अगर मंगलवार को ना, अगर ये मंगलवार को 28800 के नीचे 28800 के नीचे अगर निकले ना तो आपको पुट में काम आएगा, फायदा होगा, अदरवाइज पुट का फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। यानी 28800 को जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करे आपका पुट खतरे में पड़ा हुआ रहेगा। सार्थक जी कोलकाता से कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई और ईएमए एक साथ कैसे यूज करना चाहिए, उससे रिलेटेड है, जब हम 50 डीएमए यूज करते हैं तो आरएसआई कितना यूज करना चाहिए। सर बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ RSI वगैरह, बाय डिफॉल्ट उसको छेड़छाड़ नहीं करता, जो बना हुआ आया बस उसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले भी जस्ट बताया कि मैं इंडिकेटर ज़्यादा फॉलो नहीं करता, है ना, क्योंकि जो मुझे जो आपको बता रहा है इंडिकेटर वो मुझे भी बताएगा, मैं आपका एसएल जब चाहूँ उड़ा सकता हूँ। तो इसके लिए क्या है ना कि मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता सर। गुलशन कुमार साहब पटना बिहार से कह रहे हैं कि अभी यस बैंक 51.40 पे ट्रेड कर रहा है, क्या मैं इसका 2000 शेयर बाय करके एक वीक होल्ड कर सकता हूं? क्या यस बैंक एक वीक में 10 पॉइंट मूवमेंट दे सकता है? अब मैं इसका उल्टा सवाल करता हूं गुलशन से, क्या यस बैंक एक वीक में 20 पॉइंट गिर सकता है? गिर सकता है ना, अभी तक यस बैंक से लालच क्यों नहीं जा रहा है, यस बैंक का मोह क्यों नहीं जा रहा है, क्यों 51.40 रुपया, यानी इसका आपके पास लगभग लगभग 2000 गुना 51 करता हूँ तो काफ़ी पैसे हो गए, तो जब उतना पैसा है सर किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाइए ना, क्यों उस स्टॉक्स में लगा रहे हैं जिसका भविष्य अभी सुनिश्चित नहीं है, जिसमें क्लियर नहीं है, धुंधला है सब, क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हैं? किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाइए ना, जहाँ आपको दिख रहा है जिसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई, वैसे सब स्टॉक्स में लगाइए सर, इसको अभी थोड़ा देर भूल जाइए सर। आरएन सिंह साहब आजमगढ़ यूपी से कह रहे हैं कि 11/10/2019 अभी तक क्लाइंट आईडी नहीं आया, ओके जरूर आ जाएगा सर, टेंशन नहीं है। आपने जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम जिससे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फायर्स में, कृपया वो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दें,
वो जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा वहाँ, उन लोगों से पूछ लूंगा जो वहाँ मैनेजर सेल्स मैनेजर है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, आप कह रहे हैं यूएसडी ट्रेडिंग के लिए एक डिटेल वीडियो के द्वारा जानकारी करें। ओके, आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ओवरबॉट हो गया है तो निकल जाएं या बने रहें, 1296 का बाएंगे तो 1296 का आपकी बाएंगे, रिलायंस को हम लोग चेक कर लेते हैं, 1416 तो सर प्रॉफिट बुक करिए ना, प्रॉफिट बुक करिए और इन्जॉय करिए, पैसा घर लेके जाइए उस पैसे को, ठीक है। तो अभी इंजॉय, दोबारा जब सस्ते लेवल पे मिले, कम लेवल पे मिले तो फिर करिएगा, अभी फिलहाल इससे प्रॉफिट बुक करिए, 200 रुपये प्रॉफिट में है ना सर आप। उसके बाद जुबिलेंट 1310 पे आपने बाय किया हुआ है तो जुबिलेंट फूड को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 1310 पे देखिए 1360 ये भी चल रहा है। तो आप ऐसा करें कि इसमें भी पूरी क्वांटिटी ना निकालें, जितना भी क्वांटिटी लिया उसका 70% निकाल दें रिलायंस से भी और जुबिलेंट से भी, बाकी 30% का आप स्टॉप लॉस को ऊपर कर लें तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर वो ऊपर जाना हो तो ठीक है, अदरवाइज नीचे भी काटेगा तो 70% का प्रॉफिट बुक रहेगा आपका। आर स्वयं जी गुजरात से कह रहे हैं कि योर रिकमेंड फॉर यू आर रिकमेंडेड स्टॉक ऑफ बायोकॉन सवाल। अच्छा, थैंक यू सर, लिखा है आपने तो आई मेड गुड प्रॉफिट इन बायोकॉन 60% ऑफ माई, अच्छा 60% आपने निकाल दिया एंड 40% का सेकेंड टारगेट के लिए वेट करें, बहुत बढ़िया। नाउ इंडिगो सेल साइड इज ओपन, बिल्कुल इंडिगो का सेल साइड ओपन हो चुका है। हाउ कैन आई सेल इन डिलीवरी, डिलीवरी में आप सर कैश में सेल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, यानी कैश में अगर वो लेवल एक्टिवेट हो चुका है तो फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होता है वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्लियर ना। कैश में अगर वो लेवल एक्टिवेट हो चुका है तो फ्यूचर में जो भी प्राइस उस टाइम चल रहा है आपकी एंट्री उस वक्त बनेगी और आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, कैश में सेल नहीं कर सकते डिलीवरी बेस में। सुदीप जी, सुदीप कुमार राय साहब कोलकाता से कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी अबाउट हाउ इज रनिंग मार्केट, द प्राइस ऑफ ए स्टॉक इज डिटरमाइंड और कंस्टिट्यूट्स एज एनी मेनी टाइम्स एज मेनी टाइम इट हैपन दैट बाइंग वॉल्यूम इज मच मच हायर देन सेलिंग वॉल्यूम बट द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज डिक्रीजिंग। अब मैं समझ गया इनकी बात, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम काफी ज्यादा रहता है, काफी ज्यादा रहता है बाइंग का, बाय साइड का वॉल्यूम काफी ज्यादा रहता है, उसके बावजूद स्टॉक गिरता हुआ रहता है, प्राइस गिर जाता है, और कभी कभी वॉल्यूम काफी डाउन रहता है, काफी डाउन रहता है फिर भी प्राइस ऊपर जाता रहता है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला सुदीप सर, कि वो 100% आपको कंफ्यूजन करके, मैंने कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है, यानी आप उसको रीड नहीं कर रहे, आप उसको छोड़ दीजिए। वॉल्यूम हर जगह काम नहीं करेगा सर, वॉल्यूम हर जगह काम नहीं करता, खासकर इंट्राडे में वो तो एकदम और पागल करके रख देगा, इससे इंट्राडे को वॉल्यूम में नहीं देखते। जब भी वॉल्यूम देखे ना तो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखा करें, वो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। इंट्राडे में वॉल्यूम से थोड़ा दूर रहें, कभी कभी वो काम करता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन मैक्सिमम टाइम जैसे आपने लिखा ना वही काम आपके साथ वो करता रहेगा, तो आप इंट्राडे के लिए वॉल्यूम को देखना बंद करें। अश्विनी कुमार साहब नागपुर से कह रहे हैं कि आई एम न्यू फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग सो आई वॉन्ट नो विच टाइप ऑफ डेस्कटॉप पीसी इज बेस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग विद इन 45,000 बजट, यानी कि 45,000 के बजट में इनको पीसी चाहिए। सर आप पीसी से बेहतर है कि आप लैपटॉप ले लें, डेस्कटॉप ना ले, आप लैपटॉप ले लें। लैपटॉप में क्या होगा, एक तो आपको बैकअप वगैरह भी मिल जाएगा, दूसरा बात क्या है वो कैरी फॉरवर्ड भी, मतलब ले जाने में भी सुविधा होती है, कहीं अगर आप जर्नी में रहें तो इजी आप उसको ले जा सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि आई एम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, अच्छा सॉरी आई एम नॉट इन टच विथ मेनी पीपल सो आई वॉन्ट योर सजेशन। तो सर आप लैपटॉप लें, 45,000 में एक अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट ये अमेजन इससे अगर लेना हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो लोकल दुकान को ही सलाह दूंगा, क्योंकि जब महंगा सामान आता है ना तो दाम का ज्यादा का, तो थोड़ा ऑनलाइन मंगाने में थोड़ा रिस्क हो जाता है। आप लोकल पे जाएं, लोकल दुकान जो आपके शॉप है वहाँ पे, और आप उन्हें बताएं अपना रिक्वायरमेंट, तो वो आपको आराम से दे देगा। कम से कम 1 TB का हार्ड डिस्क होना चाहिए, है ना, 1 TB का हार्ड डिस्क होना चाहिए, 4 GB से ऊपर का रैम, 4 GB का रैम हो, और वो i5 वगैरह आता है, कोर i5 वगैरह है ना, तो अब तो 8 वगैरह भी आ गया है, 7 वगैरह भी आ गया, आप उसको लें, विंडो 10 होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी तो वो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। इंटरनेट डाटा आप कैसे ले सकते हैं सर, अभी तो जियो का जमाना चल रहा है, अगर आपके पास जियो का वहाँ पे वाईफाई वगैरह अवेलेबल है, मॉडेम अवेलेबल है, तो आप वहाँ जियो के स्टोर पे जाके कनेक्शन ले सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है, उसका एक मॉडेम आता है छोटा सा, उस मॉडेम के थ्रू आप ले सकते हैं। साफियर मल्लिक साहब टीचर केरला से कह रहे हैं हाय सर कैसे हो आप, मस्त हूँ, आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, थैंक यू।
आपके हर वीडियो कुछ ना कुछ सिखाता है। ओके सर, मेरे पास यूनियन बैंक के 500 शेयर है 86 रुपए में, क्या करना चाहिए? तो यूनियन बैंक को चेक कर लेते हैं, जो करेगा चार्ट करेगा वो, हम लोग क्या कर सकते हैं सर। तो आपने 86 रुपए के भाव पे यूनियन बैंक को लिया, अभी 52 पे चल रहा है सर। ये जब तक 56 क्रॉस ना करेगा ना, कुछ नहीं हो सकता इसका। 56 क्रॉस करेगा तो एक टारगेट 61 आएगा, 61, 61 क्लोज करेगा एक टारगेट 67 आएगा, इसका फिक्स है बना हुआ। जहां तक रीडिंग के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि 56 ब्रेक करेगा 61 का टारगेट, 61 ब्रेक करेगा 67 का टारगेट, 67 ब्रेक करेगा तो फिर आएगा आपको लगभग 82 का टारगेट। ठीक है, इस तरह से इसका बना हुआ जहां तक चार्ट पे मुझे दिख रहा है। तो आप एक बार स्टॉप लॉस जो है ना, इसको होल्ड करिए 48 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन याद रखिए, अगर 48 काटेगा ना तो आप फिर निकल जाइएगा सर। नीमच मध्य प्रदेश से श्याम अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का व्यू चाहिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। सर एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर अगर ऑटो सेक्टर सही रहेगा, अगर ऑटो सेक्टर सही है, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है ना एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी है ना, तो अगर ऑटो सेक्टर सही रहेगा तो फिर आपकी एक्साइड इंडस्ट्रीज भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। तो थोड़ा ऑटो सेक्टर को सही हो जाने दीजिए, उसके बाद हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज पर हम लोग देखेंगे, है ना। प्रशांत जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि HDFC 15 क्वांटिटी को 1980 पे लिया, तो सर प्रॉफिट में तो है आप HDFC बैंक में। HDFC लाइफ 60 क्वांटिटी 490 पे लिया, शायद इसमें भी आप प्रॉफिट में है। ब्रिटेनिया 2665 पे 10 क्वांटिटी लिया और सैक्स सॉफ्ट को 40। देखिए, और आपका व्यू 1 से 2 साल के लिए, तो नंबर 1 स्टॉक, नंबर 3 स्टॉक और नंबर 4 स्टॉक है ना, यानी कि HDFC, HDFC लाइफ और ब्रिटेनिया, इसको अभी भूल जाइए, इसके दिमाग ही नहीं देना, रहने दीजिए आप इसको। ठीक है, ठीक जगह पे आपने लिया भी है और प्राइस भी ठीक ठाक है। ब्रिटेनिया को एक बार मैं खाली प्राइस अपडेट करना चाहूंगा। देखिए ब्रिटेनिया भी आप काफी अच्छा प्राइस पे, ब्रिटेनिया आपने 2665 के आसपास लिया, तो काफी अच्छे प्राइस पे आपने लिया और अच्छा प्रॉफिट में आप ब्रिटेनिया में है, तो इसको अभी आप भूल जाइए, 2 साल के लिए ना आप भूल जाइए। HDFC लाइफ को भी भूल जाइए, HDFC लाइफ को 490 पे लिया ना आपने, HDFC लाइफ, चलिए देख लेते हैं। देखिए HDFC लाइफ 608 पे, इसमें भी अभी भूल जाइए और HDFC को भी भूल जाइए। एक आपका जो सैक सॉफ्ट है ना, उसको लेके थोड़ा सा परेशानी, वो हम चेक कर लेते हैं कि आपने कितने पे लिया है। आपने 257 पे लिया है, मैंने कहा ना उसको लेके थोड़ी परेशानी। देखिए 243 चल रहा है, तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगाइए 220 रुपये का, 220 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर, मेरी सलाह सर इससे आप निकल जाइए। ठीक है, इससे निकल जाइए, लेकिन आप, ये मेरा अपना व्यू है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है आपको। मैं अपना व्यू देख पा रहा हूँ कि इसमें रुके रहने का कोई फायदा नहीं है, नीचे ही आ रहा है, स्टॉक का ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव ही है। पटवर्धन जी पुणे से कह रहे हैं कि आपकी एक स्ट्रेटेजी है रेंको चार्ट पर। मेरा सवाल ये कि रेंको चार्ट में कैंडल की प्राइस हर स्टॉक में बदल जाती है, क्या हम उसे बाय डिफॉल्ट रख दें? जी बाय डिफॉल्ट रख दें सर, बाय डिफॉल्ट रख दें, उसमें दिमाग ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट रख दें। छोटे स्टॉक में प्राइस छोटी रहती है मगर बड़े, जी जी बाय डिफॉल्ट रखें। आपके सारे वीडियो सवाल जवाब देखता हूँ, आपके चैनल से ही मैंने सीखना शुरू किया और आपके वीडियो के लाइव होते हैं मगर आप उसमें दिखते नहीं। सर आपके वीडियो तो लाइव होते हैं मगर आप उसमें दिखते नहीं, कृपया अपने दर्शन दीजिएगा। अरे अरे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि दर्शन देने लग जाऊँ सर, नॉर्मल आदमी हूँ। ठीक है, बस ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं हूँ, मानव हूँ, खाता पीता हूँ, मतलब सांस लेता हूँ, चलता हूँ, है ना, दुख तकलीफ सब होता है मुझे भी, तो ह्यूमन हूँ, बस इतना जान लीजिए। तो आप लोग अगर देखते हैं वीडियो और सीखते भी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले। और आज भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेक्शन है, आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए। रेंको चार्ट पे आपका जवाब मेरा यही है कि बाय डिफॉल्ट उसको सेटिंग को रहने दें। चूरू राजस्थान से राजेश जी कह रहे हैं कि अमेरिकन एक्सचेंज पे जो इंडियन स्टॉक लिस्टेड हैं, ठीक है, उनको अमेरिकन मार्केट ऑफ होने के बाद कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? सर एक तो देखिए ट्रेडिंग व्यू आता है, आप वहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अमेरिकन मार्केट में जो स्टॉक लिमिटेड, लेकिन अलग अलग नाम से, जैसे HDFC बैंक है ना इंडियन मार्केट में, वहाँ HDFC बैंक नहीं मिलेगा अमेरिकन मार्केट में, वहाँ HDB मिलेगा, HDB उसका नाम अलग हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस नाम से वो लिस्टेड है। अल्ताफ जी कोल्लायली केरला से कह रहे हैं कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे सेल या बाय कब करना है, क्योंकि कैंडल विक्स उस लेवल के ऊपर या नीचे देन रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा सर? मार्केट डेप्थ कैसे बाय सेल कंफर्मेशन मिलेगा? मेक ए वीडियो अबाउट मार्केट डेप्थ। सर मार्केट डेप्थ को दूर करिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे जो लेवल है ना, मैं आपको अपने चैनल पर लेके आऊंगा,
और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्लेलिस्ट में, माने मेरे चैनल पर आइए आरके ट्रेडिंग पर, वहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, वहाँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ बहुत सारी चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको दिखेगा। पहला पिवोट पॉइंट, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, दूसरा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पिवोट पॉइंट, दूसरा वीडियो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बना हुआ, आपने देखा नहीं है पूरा इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक और होगा इस पर फिबोनाची टूल, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो को देखिए, आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है, कैसे करना है, इसमें सारे चीज मैंने बताए हुए, तो इस चीज को, तीनों वीडियो को कंप्लीट देखिए, और भी चीजें आपके काम की, तो इसको आप देखिए, आपको यहाँ सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है अनिल साहब जी पूछ रहे हैदराबाद से, आई हैव 50 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, हाउ इज द रिजल्ट एंड हाउ मच मोर। सर आपने 50 शेयर खरीदा तो है, पर किस प्राइस पर खरीदा है अनिल साहब? पता चला जो टॉप अभी लगा उसी टॉप पे खरीद लिया आपने, तो मैं क्या बताऊं आपको, है ना? किस प्राइस पे लिया, कोई प्राइस आप बताएंगे तभी तो। रिजल्ट से क्या मतलब है सर, रिजल्ट तो इसका अच्छा ही था ना, रिलायंस का रिजल्ट जो आया तो ठीक ठाक था। हाउ इज द रिजल्ट एंड हाउ मच मोर, रिजल्ट तो इसका डिक्लेयर हो गया ना इसका, 18 तारीख को रिजल्ट हो गया। तो अभी आप जब तक प्राइस नहीं लिखेंगे ना है अनिल साहब, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है कि शॉर्ट टर्म व्यू है ये भी जब तक आप बताएंगे नहीं, तो कैसे क्लियर मैं जवाब दे सकूंगा, है ना। अब वापस आ गया सवाल इनका, जसवंत जी का, जो कि शुरू किया था, तो सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। तो दोस्तों यहाँ जितने भी सवाल आप लोगों ने पूछे, उन सारे सवालों पर मैंने अपना जवाब दिया, अपना व्यू बताया। जिन लोगों ने क्लियर जवाब सवाल नहीं लिखा, उनके जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जब तक आप प्राइस क्लियर लिखेंगे नहीं तब तक मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात, जितने लोगों के सवाल के जवाब मैंने दिए, कम से कम उतने लोगों का फीडबैक जरूर मिले, क्योंकि सवाल भेजते तो बहुत सारे हैं, 40-45 लोग, लेकिन कमेंट सेक्शन में 5-10 ही मुझे मिलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिलते हैं, बाकी लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम हो चुका होता है ना, उससे उसके बाद फिर उसको कोई मतलब है नहीं। तो कमेंट सेक्शन में भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने सवाल किया था तो उसका ये रिप्लाई भी कर रहा है और उसका फीडबैक भी दे रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए अगले सैटरडे का फिर वेट करें, इंतजार करें, फिर सवालों का सिलसिला लेके हाजिर होऊंगा मैं आपके सवाल आपके जवाब में। ये 35वां एपिसोड था, 34 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, ये 35वां एपिसोड था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।